तीन चीजें खाओ, कभी नहीं होगी आपको नसों की ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या और खून का गाढ़ापन। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी चमत्कारी चीजों के बारे में बताएंगे। यदि आप इनका सेवन करेंगे तब दोस्तों आपको जिंदगी भर ये हार्ट अटैक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस हार्ट ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पूरे शरीर में कहीं भी आपको कोई भी ब्लॉक नस नहीं होगी, कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगी और दोस्तों ना ही आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आपका खून भी गाढ़ा नहीं होगा, आपका खून पतला रहेगा, आपका खून साफ भी होगा और आपके शरीर के अंदर खून की कमी भी नहीं होगी, यानी इन तीनों ही समस्याओं का इलाज हो जाएगा। और दोस्तों ये तीनों ही समस्याएं हमारे शरीर की 150 तरह की बीमारियों का कारण बनती हैं, क्योंकि इस खून के गाढ़े होने के कारण हमें हार्ट ब्लॉकेज और इस बुरे कोलेस्ट्रॉल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस खून की गंदगी के कारण हमें कील मुहासे आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और दोस्तों बहुत सारी बीमारियां इस खून की कमी के भी लग जाती है, यानी आप इन तीन चीजों को यदि खाएंगे तब आपको ना तो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होगी, ना आपको हार्ट अटैक आएगा, ना ही नसों की ब्लॉकेज होगी, ना कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी, यानी ये सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों यह बात तो आप जानते भी हैं कि यदि आपकी कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको नहीं होगी तब आपको ना तो कभी हार्ट अटैक आएगा, ना हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होगी और आप बिल्कुल निरोगी भी बने रहेंगे। और इसके साथ में दोस्तों ये तीन चीजें आपकी इम्यूनिटी, आपकी इम्यून पावर को भी बढ़ा देंगी, जिससे आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत तरह की बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी। दोस्तों यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं और इन बीमारियों का घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो तीन चीजें हैं क्या और कितनी चमत्कारी हैं जो इतना सारा काम कर देती हैं। दोस्तों इनमें जो सबसे पहली चीज है वो है दोस्तों मेथी दाना, और मैं इन तीनों को बताने के बाद आपको बताऊंगा कि आपने इन तीनों को लेना कैसे है। और दोस्तों मेथी दाना के फायदे हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों मेथी दाना यदि आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है उस दर्द का भी रामबाण इलाज है। दोस्तों इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है, आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करता है और दोस्तों दिल की बीमारियों के लिए तो एक वरदान की तरह काम करता है। दोस्तों आपको हर रोज इस मेथी दाना का सेवन करना चाहिए, आगे हम आपको बताएंगे कि आपने सेवन कैसे करना है। दूसरी जो चीज है वो है दोस्तों कलौंजी, और दोस्तों कलौंजी के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों कलौंजी मौत को छोड़कर शरीर की हर बीमारी का इलाज करने की क्षमता इस कलौंजी के अंदर मौजूद है। दोस्तों ये कलौंजी आपके शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाने का काम करती है। दोस्तों आप अपने शरीर की किसी भी बीमारी में इस कलौंजी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो या फिर छोटी से छोटी बीमारी, यानी आप हर बीमारी का इलाज इस कलौंजी के साथ कर सकते हैं। बस आपने इसका हर रोज सेवन करना है और आपका शरीर बिल्कुल निरोगी बनता जाएगा, आपका शरीर हर तरह की बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और जो दोस्तों तीसरी इसमें मुख्य चीज है वो है दोस्तों मसालों की रानी दालचीनी, और दोस्तों दालचीनी के फायदे भी हम सभी जानते हैं, चाहे हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना हो या शरीर के अन्य रोगों से छुटकारा पाना हो, दोस्तों ये दालचीनी हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करती है और हमारे शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाने का काम करती है। और दोस्तों यदि आप इन दोनों चीजों के साथ दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो इससे उसकी पावर और भी अधिक बढ़ जाएगी, आपके शरीर की इम्यून पावर बहुत अधिक पावरफुल होगी, जिससे आप हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपने इन तीनों का ही सेवन करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, एक चम्मच मेथी दाना लेना है और एक चम्मच लेना है कलौंजी छोटा चम्मच, और इनको रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह खाली पेट आपने इस पानी को भी पी लेना है और मेथी दाना और कलौंजी को भी चबा चबा कर खा लेना है। इन दोनों को तो आपने इस तरह से सेवन करना है। अब बात आती है दालचीनी के सेवन की। दोस्तों इसके तीन तरीके हैं दालचीनी के सेवन के। पहला, आप दालचीनी को पानी में उबाल कर ले सकते हैं, आधा छोटा चम्मच आप दालचीनी पाउडर को पानी में उबालिए और सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। जैसे आपने पहले मेथी दाना और कलौंजी खाया उसके आधे से पौने घंटे के बाद आप इसका सेवन कीजिए, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप रात को सोते समय छोटा आधे से थोड़ा कम चम्मच लेकर दालचीनी पाउडर का दूध में
उबालिए और दूध के साथ इसका सेवन कीजिए। तीसरा, आप दिन में किसी भी समय दोपहर के यानी कि लंच से एक घंटा पहले इस दालचीनी पाउडर को छोटा आधा चम्मच होता है उसे थोड़ा सा कम आपने लेना है और उसको शहद के साथ मिलाकर आपने सेवन करना है। यानी इन तीनों तरीकों में से आप किसी भी तरीके से दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं और मेथी दाना और कलौंजी का जैसे मैंने आपको प्रयोग बताया आपने वैसे करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। दोस्तों आप हर तरह की बीमारी से बच रहेंगे। दोस्तों आपको जिंदगी भर इस नसों की ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी नहीं आएगा हार्ट अटैक और ना ही आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी और ना ही दोस्तों आपको खून का गाढ़ा और इस खून की कमी की समस्या आएगी। यानी आप अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना देंगे और हर तरह की दिल की बीमारी का इलाज कर देंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी कंट्रोल में कर देंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज से ही इनका तीनों का सेवन शुरू कर दीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।